भारतीय मजदूर बैनर के तले यहाँ आशा वर्कर भी आई हैं और पूरे भारतवर्ष से यहाँ मौजूद हैं। आइए हमसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगें क्या हैं, किन मांगों को लेके ये यहाँ संसद मार्ग का घेराव कर रहे हैं। मैडम आपका नाम क्या है? केसर भाई आशा। केसर भाई आशा, सतना जिला के। आप यहाँ क्यों आए हैं? हम मांग मांगने आए हैं कि जब हमने भोपाल गए थे तो शिवराज सिंह के साथ वो धरे थे पछता, तो बोलता था कि ये मेरी जितनी आशा की पोस्टिंग हुई है ये मेरे यहाँ से नहीं हुई, आप जाओ केंद्र सरकार ने आपको भर्ती किया है, जो देगा तो केंद्र सरकार देगी। हम इसलिए आए हैं कि वो हमको परमानेंट करें। हमको गली गली भगा दिया है, अपने लड़कों बच्चों छोड़ के अलगे रहते हैं। हमारी मांगे वो पूरी करें और नहीं आपकी उसकी अधूरी हो जाएगी। क्या मांगे आपकी, किन मांगों को लेके आए? मांग नौकरी के लिए आए हैं कि हमको परमानेंट करें आशा की नौकरी। आपको कितना वेतन मिल रहा है? जितना बस वेतन देता है ना दे, हमको 10-5 हजार दे दे, हमको परमानेंट कर ले। हमको ना चाहिए कि लाख खाड़ दे, हमको धीरे धीरे से दे। हम एक डायरेक्ट नहीं मांगते हैं, बाकी हमको इतना मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, कुछ नहीं मिलता। लड़के बच्चे छोड़ छोड़ के रात रात के जाते हैं इतराई के घर में, और ये देख माह के बच्चा में पेट में आता है गर्म में, तो 9 माह तक उसकी सेवा करते हैं, फिर उसके घर भी ले जाके सेवा करते हैं। आप का कहते हमको कुछ नहीं मिलता, 600 रुपया राशि देती वो भी अधिकारी खा लेते हैं, और दो दो तीन तीन महीने में हमको वेतन देते हैं, क्या खाएं? लड़के बच्चे भूखन मरते हैं, हमको रोड में उतार दिए आशा का पद दे के। हमारी यही निवेदन है कि हमको परमानेंट करें, हमको वेतन चाहिए। जानते हम यही गए, 4-4 बार भोपाल गए, उनने मांगे हमारी पूरी नहीं किए, यही कहते रहे कि हाँ होगा होगा, आज तक नहीं हुआ। बहरुपिया बन के वोट लेके जीत लेते हैं चुनाव, आज तक कुछ नहीं हुआ आशा के बारे में। आशा को ड्रेस भी दिया गया, क्यों दिया गया? रोड में बगा बगा के गली गली कर दिए, छोट बड़े के सबकी औरत आशा में कर दिए, और कोई कुछ नहीं मिलता, सिर्फ वही 600 मिलता है बस। महीने में किसी एक डिलीवरी पाता है, किसी दो पाता है, अब बस मेहनत करो 9 माह तक।